खबर का, जहां खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को, तो ये मॉनसून से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश यहां पर हो रही है। इस दौरान कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने के भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, संभावना इस तरह के। तो भोपाल से खबर, प्रदेश भर में एक बार फिर मौसम सक्रिय, यहां पर मॉनसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है और ऐसे में इस दौरान कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने के भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो प्रदेश भर में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश यहां देखी जा रही है। इस दौरान कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने के भी आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो भोपाल से देखिए खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार जो मौसम है उसने एक बार फिर करवट ली है, ऐसे में मॉनसून यहां सक्रिय हो चुका है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जीडी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। जीडी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। चलिए, फिलहाल तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। राजधानी समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश यहां हो रही है और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से जो आसार हैं वो ये जताए गए हैं कि कई जिलों में तेज बौछारें भी पढ़ सकते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं जीडी मिश्रा जी। जीडी जी, आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। सर, आपसे मौसम का हाल लेना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में या फिर कुछ ही घंटों में, क्योंकि भोपाल की अगर बात की जाए तो प्रदेश यहां पर भोपाल खुशनुमा हो रखा है, तो आगे किस तरह के आसार रह सकते हैं? देखिए, मैं डीएनएन के सभी दर्शकों का बहुत बहुत मेरा नमस्कार जी। थोड़ा दुख के बाद सुख भी आता है। आप देखेंगे 17 जून से लेकर अभी तक थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश में निराश हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा किसानों को निराशा हुई थी, सोयाबीन खराब हुए या धान की बोनी नहीं हुई, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से प्रदेश में, खासकर पिछले 24 घंटों को हमको ये होशंगाबाद संभाग है, बड़वानी जिला है, खरगोन, खंडवा, इधर हमको अच्छी वर्षा मिली है और ईस्टर्न, तो धीरे धीरे वर्षा का ये जो गतिविधियां हैं प्रदेश में तेज हो रही हैं। और अगले 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, तो उसके कारण से पूरी मध्य प्रदेश में हमको आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वर्षा मिलेगी। और एक 27 तारीख को भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा, उससे हमको उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा मिलेगी। तो अभी धीरे धीरे आप देखेंगे बादल, भोपाल में भी बहुत खुशनुमा माहौल है, तापमान में गिरावट है। बीच में क्या हुआ कि तापमान काफी पड़े हुए थे और वर्षा भी नहीं हुई, तो लोगों को उमस के कारण परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी चूंकि बादल से ढका हुआ है प्रदेश में, अच्छी पूरा मतलब पूरा मेघ में है पूरा प्रदेश, तो धीरे धीरे वर्षा की एक्टिविटी शुरू होगी और अच्छा समय आएगा और पानी गिरेगा, निराश ना हो। बिल्कुल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश भर में अभी फिलहाल खुशनुमा मौसम हो रखा है और ऐसे में आप लोगों की तरफ से जो आसार यहाँ जताए गए हैं तेज बारिश के हैं, तो आगे आने वाले समय में कोई परेशानी की बात तो नहीं कि अलर्ट जारी कर दिया जाए? देखिए, कुछ जगह तो हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कहीं कहीं क्या होता है कई बार प्रदेश में भारी वर्षा कुछ जगह हो जाती है, तो अब ऐसी इतनी गंभीर स्थिति प्रदेश की नहीं आने वाली कि बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जमीन सूखी हुई है, सेचुरेशन कम है, तो जो भी पानी गिरता है जमीन में चला जाता है। और अभी भी हमारे करीब 30-35 जिले जो है प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा वाले हैं, 15-17 जिले ऐसे हैं जो कि सामान्य उससे अधिक है। अब धीरे धीरे वो जिले भी कवर हो जाएंगे और जो किसान बोनी नहीं कर पाए या जिनका रोपा है वो लगा लेंगे। और अब ऐसी बहुत गंभीर ऐसी स्थिति नहीं माने, लेकिन कहीं कहीं जब वो तेज बारिश होती है तो लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, और जब बिजली कड़कती कड़कती है तो अगर आप खेतों में हैं तो झुक के नीचे बैठ जाए, बिजली के तार के नीचे या पोल के नीचे ना खड़े हो, झाड़ों के नीचे कदापि भी खड़े ना हो। और जब ऐसी स्थिति आती है थोड़ा समय रहता है 10-20-30 मिनट, उस समय जरूर बचें, जिससे लोगों को बिजली गिरने से या ऐसी कोई चीजों से नुकसान भी ना हो, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। और सुरक्षित कभी पेड़ के नीचे या बिजली के पोल के पास
या जो ऐसा, और मोबाइल में बात बिल्कुल भी ना करें उस समय, उसे दूर रखें, बंद रखें। बिल्कुल, तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि आने वाला समय खुशनुमा भी हो सकता है और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। सर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां प्रदेश भर में अभी फिलहाल खुशनुमा मौसम यहां पर बना हुआ है और ऐसे में राजधानी समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है और इस दौरान कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने के भी आसार यहां जताए गए हैं। अब रुख करते हैं अपनी संवाददाता अनन्य चतुर्वेदी का जो भोपाल से लाइव जुड़ी हमारे साथ। अनन्य, अभी मौसम विभाग का वैज्ञानिक का ये साफ तौर पर कहना है कि अलर्ट या फिर किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है, जिस तरह से हर दुख के बाद सुख का बादल छाता है वही एक बार फिर भोपाल में भी नजर आ रहा है। आप चूंकि भोपाल से हैं तो किस तरह का मौसम अभी आप बाहर देख रही हैं? देखिए ऋतु, अगर यहाँ मौसम की बात की जाए तो कल जो है हल्की सी बारिश यहाँ पर हुई थी और परसों जो है, अगर परसों की बात हम करें तो चलचलाती हुई धूप थी, लेकिन कल की बारिश के बाद जो है मौसम में ठंडक आ गई है। ऐसे में रात का तापमान जो है वो भी अब यहाँ पर गिर चुका है, तो जो गर्मी और उमस कुछ दिन पहले देखने को मिल रही थी कल से जो है उसमें राहत है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो बारिश के आसार जो है काफी अच्छे हैं और ऐसे में राजधानी भोपाल का मौसम जो है सुबह से ही ताजा तरीन बना हुआ है, धूप अभी फिलहाल नहीं निकली है। हर रोज हम देख रहे थे अभी तक कुछ दिनों से कि लगातार धूप जो है वो 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक जो है छा जाती है, लेकिन अब फिलहाल में 10:15 बज रहा है और अभी भी धूप जो है नहीं आई है। तो ऐसे में शाम तक का मौसम जो है वैसा ही रहने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। साथ ही यहाँ पर प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में कई जिलों में यानी जबलपुर संभाग में और साथ ही रीवा में और सागर भोपाल इंदौर में भी जो है फिलहाल में बारिश के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं कि बारिश जो है जल्दी शुरू होगी। कल के बाद जो है मानसून की जो फिलहाल बारिश है वो तेज होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, तो कल से जो है मौसम और ज्यादा कह सकते हैं कि हर जगह जो है बारिश का माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल में भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में शाम तक जो है बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात की जाए जिस तरह से खुशनुमा मौसम राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है, ऐसे में आसपास के जो लोग हैं उनका किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ पे लोगों की बात करें तो जो पर्यटन स्थल है हमारे यहाँ ऐसे भोपाल का मशहूर जो है फिलहाल में लेक व्यू है और वीआईपी रोड है, तो वीआईपी रोड और लेक व्यू पर जो है सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जो है सुबह जो है घूमने यहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में भीमबेटका हो गया, यहाँ पर भोजपुर हो गया, यहाँ पर भी लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मौसम जैसा ही ठंडा हुआ है लोगों ने जो है इन जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। इसके पहले कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन अब जब मौसम जो है वो हल्का ठंडा हुआ है और ऐसे में गर्मी भी अब कम हो चुकी है, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो वीआईपी रोड जो है, वीआईपी रोड में सुबह से ही जो है 6 बजे से कहते हैं लोग भाग जाते हैं, लेकिन फिलहाल में दोपहर के वक्त भी वहाँ पर अब जो है भारी संख्या लोगों की देखने को मिल रही है। लेक व्यू पर जो है लोग बाग लगातार यहाँ पर कह सकते हैं भीड़ देखने को मिल रही है, लोग बाग लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक जो है पर्यटक जो है वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लगातार जा रहे हैं, तो मौसम काफी खुशनुमा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिलहाल में मौसम जो है वो कहीं से भी गर्म नहीं है। फिलहाल जो उमस हो रही थी उमस भी खत्म हो चुकी है कल के बाद, और अभी भी शाम को बारिश के आसार जो है जताए जा रहे हैं। साफ बात है फिलहाल में मौसम में राहत जो है काफी लोगों के लिए राहत बनी हुई है, क्योंकि इसके पहले जो है गर्मी लोगों को उमस और गर्मी से जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल में राहत है। बिल्कुल, एक बड़ी राहत यहाँ पर मौसम की तरफ से मिली हुई है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां प्रदेश भर में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तेज बौछारें आने वाले समय में पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर किसानों को थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। और इसके साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के लगभग कई जिलों में बारिश भी हो रही है।